और अब बात करते हैं बुरहानपुर की, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महापौर प्रत्याशी माधुरी अतुल पटेल के लिए रोड शो किया। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माधुरी पटेल के लिए वोट मांगे। बुरहानपुर में रोड शो में जगह जगह शहर की जनता ने उनका स्वागत किया। रोड शो शहर की गलियों से होकर लालबाग स्टेशन पर जाकर खत्म हुआ, जहां मुख्यमंत्री ने सभा में सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। शिवराज सिंह चौहान लगभग 2 बजे बुरहानपुर पहुंचे और रोड शो शहर की गलियों से होते हुए 3 घंटे में समाप्त किया गया। रोड शो के दौरान प्रदेश की पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के साथ पूर्व महापौर अतुल पटेल एवं महापौर प्रत्याशी माधुरी पटेल खुली जीप पर सवार थे। वहीं नगर के चौराहे पर लोगों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को रोककर हार पहनाने की कोशिश की, पर समय की कमी के कारण वो सड़क पर रुके नहीं, जिसके बाद 5 बजे मुख्यमंत्री खंडवा के लिए रवाना हो गए। विराट 24 न्यूज के लिए बुरहानपुर से हेमराज रघुवंशी की रिपोर्ट। नगर निगम में आप जिताते हैं उसके कारण है। दिल्ली में आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से हमारी उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है। अरे भैया मीडिया वालों को कर लेंगे। और प्रदेश में आपके आशीर्वाद से मैं मुख्यमंत्री हूँ। डबल इंजन की यह सरकार बुरहानपुर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अभी भी आपने देखा है जो हमने किया है, काम गिनाने का अवसर नहीं है। अर्चना दीदी और ज्ञानेश्वर पाटिल जी हमारे सांसद जी का है, अद्भुत बुरहानपुर बनना है अपना और गरीबों के कल्याण को। मकान 15,000 बने और बनाएंगे, जितने रहेगा सबके बनाएंगे, कोई बिना मकान के नहीं रहेगा, सबके झोंपड़ों की जगह मकान बनेंगे। अभी रास्ते में इलाज की बात आई मेरी, ये गिनाने का समय नहीं है ज्ञानेश, आप लोग गिनाए। इलाज की बात आई मैं करवाऊंगा, आयुष्मान भारत योजना में मोदी जी करवाएंगे। बेटा बेटियों की पढ़ाई की बात है, कमलनाथ ने संबल योजना बंद कर दी थी। संबल में हमने तय किया था कि किसी जाति और धर्म के बेटा बेटी भले ही अगर उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में होता है, जहाँ की 1 साल की फीस भी 8-10 लाख और विदेश की यूनिवर्सिटी में 50 लाख